जिन शासन की प्रभावक परंपरा, विश्व विजेता तीर्थंकर, जो स्वविकास के पथ पर अपने आप को इतनी ऊंचाई तक ले गए कि पूरे विश्व में कोई उनकी बराबरी न कर सके, और वो भी अपने स्वबल पर। इस तरह आत्मिक विकास करते करते जब शासनपति श्री वीर प्रभु ने रुजुवालिका नदी के किनारे पर केवल ज्ञान यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की, तब देवताओं ने आकर उनकी श्रेष्ठ भक्ति स्वरूप संवसरण की रचना की, और पूर्ण ज्ञानी श्री वर्धमान स्वामी यानी कि वीर प्रभु ने रत्नमय सिंहासन पर विराजमान होकर अपनी विशिष्ट वाणी से धर्मदेशना का प्रारंभ किया। तीर्थंकरों का पुण्य ऐसा होता है कि उन्हें प्रथम देशना में ही गणधर बन सकें, शासन की धुरा संभाल सकें, ऐसे समर्थ उत्तराधिकारी की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वीर प्रभु को अपापापुरी नगरी के उद्यान में रचित द्वितीय संवसरण में गौतम स्वामी आदि 11 गणधरों की प्राप्ति हुई थी। इतना ही नहीं, चतुर्विध संघ के चारों अंग का प्रारंभ भी इसी संवसरण में हुआ था। गौतम स्वामी प्रमुख अनेक साधुगण, चंदन बाला श्री जी आदि अनेक साध्वीगण, आनंद कामदेव आदि अनेक श्रावकगण एवं रेवती सुलसा आदि अनेक श्राविकाओं की स्थापना होते ही श्रेष्ठ चतुर्विध श्री संघ का यहां पर निर्माण हुआ। इस चतुर्विध श्री संघ की महिमा सामान्य मत समझना। इस विश्व के सारे विशिष्ट रत्न समान लायक जीवों का श्रेष्ठ समूह यह चतुर्विध संघ है। अब मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पथिकों के समूह रूप चतुर्विध संघ के अनुशासन योग क्षेम की जिम्मेदारी किसी समर्थ को सौंपनी आवश्यक है। इसलिए वीर प्रभु ने खुद अपने हाथों से जिन शासन के एक्सक्लूसिव राइट्स सर्वाधिकार अपने 11 गणधरों को प्रदान किए, इस तरह विश्व के शहंशाह के दरबार में विश्व कल्याण कर श्रेष्ठ अधिकारों का बड़ी गरिमा और ठाट के साथ एम्पावरमेंट हुआ था। विशाल संख्या में उपस्थित श्रोतागण इस परम पवित्र पल के साक्षी बनकर अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मान रहे थे। गौतम आदि गणधरों ने भी अपनी प्रभावकता से इस महाकल्याणकारी शासन का पूर्ण वफादारी के साथ सुबद्ध संचालन और वहन किया। इसलिए उस वक्त जिन शासन की जाहो जलाली और प्रभाव कुछ अनोखा ही था। जिनेश्वरों के बताए गए तत्व का पूरे विश्व में जय जयकार फैला हुआ था। किसी भी लायक जीव को आत्मकल्याण करना हो तो वह आसानी से योग मार्ग या मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कर सके, ऐसी सुबद्ध शासन व्यवस्था, ऐसे धर्मस्थान, ऐसे गरिमावंत शास्त्रों की वाचना और तप त्याग संयम स्वाध्याय के अनुष्ठानों से मानो यह जिन शासन रूप राजमहल गूंज रहा था। गौतम आदि 10 गणधरों ने अपने अपने गण सुधर्मा स्वामी को सौंपकर निर्वाण की प्राप्ति की। इसीलिए सुधर्मा स्वामी जी हमारे आद्य संघ नायक के रूप में प्रस्थापित हुए, जिनके नायक पद के रहते अनेक अनेक धर्म प्रभावना शासन प्रभावना आदि के सत्कार्य हुए। सम्राट श्रेणिक राजा आदि जो वीर प्रभु के परम भक्त थे, उनके द्वारा बड़ी शासन प्रभावना हुई। इस तरह पूरे भारतवर्ष में शासन प्रभावक पटधरों के आधिपत्य में बड़े बड़े सम्राटों ने बड़ी जाहो जलाली के साथ जैन धर्म का विस्तार प्रभावना आदि फैलाया। इसका मूल कारण यही था कि तीर्थंकरों की स्थापित व्यवस्थानुसार गीतार्थ बहुश्रुत आचार्य भगवंत के नेतृत्व में जिन शासन की सुबद्ध व्यवस्थाओं का वहन हो रहा था। उनके बाद भी जब आक्रमण आए तब अनेक गीतार्थ आचार्य भगवंतों ने आसमानी सुल्तानी में भी अपने प्राणों की परवाह किए बिना शासन हित को दृष्टिपथ में रखकर शासन की सुंदर तरीके से रक्षा की। शासन के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले ऐसे प्रभावक पूर्वाचार्यों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करके आइए
कुछ ऐसे प्रभावक आचार्य भगवंतों के विशेष जीवन प्रसंगों पर नजर डालते हैं। श्री आर्य सुहस्ती सूरी जी महाराजा, जिनके समकालीन मौर्य साम्राज्य के सम्राट रहे, उस वक्त संघ शासन और देश के लिए सुवर्ण काल सा था। जरा सोचिए, उस वक्त हम वहां होते तो इस घटना प्रसंग में क्या सोचते? एक भूखे दरिद्र बेहाल भिखारी को दीक्षा, लेकिन लोगों की निंदा की परवाह किए बिना आचार्य भगवंत ने भावी महान शासन प्रभावना हेतु उसे दीक्षा प्रदान की। उस दुष्काल के वक्त खाना प्राप्त करने के लिए दीक्षा लेने वाले भिखारी के प्रति हम कैसा प्रतिभाव देते, यह सोचने जैसा है। लेकिन श्रुत के बल से उस भिखारी की योग्यता जानकर आचार्य ने उसे दीक्षा देकर ऐसा आत्मिक उत्थान करवाया जिससे जिन शासन को महाप्रभावक श्रावक संप्रति राजा की प्राप्ति हुई। जाति स्मरण ज्ञान से अपना पूर्व भव देखकर संप्रति राजा अपने उपकारी आचार्य आर्य सुहस्ती सूरी जी को पहचान गया। उनके चरणों में वो झुक पड़ा और अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्योछावर कर दिया। त्रिखंडेश्वर सम्राट संप्रति ने जिन शासन का जय जयकार करती विशाल रथ यात्रा के द्वारा पूज्य संगादिराज का सुंदर नगर प्रवेश करवाया। आचार्य के अनुशासन से उसने पूरे भारत को जिन प्रतिमा और जिनालयों से सुशोभित कर दिया और भारत वर्ष में ही नहीं अनार्य देश में भी जैन धर्म की प्रभावना की। अनार्य देश में धर्म का प्रभाव बढ़ाने हेतु वहां भी महात्माओं का विचरण संप्रति राजा ने करवाया था। उसके बाद आता है चालुक्य काल। गुजरात का प्रतापी राजा सिद्धराज जयसिंह कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी जी से प्रभावित होने की वजह से जैन धर्म के प्रति सद्भाव वाला हुआ और उसकी बिनती से हेमचंद्राचार्य जी ने सिद्ध हेम व्याकरण की रचना की, जिसके बहुमान स्वरूप सिद्धराज ने इस ग्रंथ की बड़ी शान से रथ यात्रा निकाली थी। और आचार्य के ज्ञान प्रतिभा वर्सटाइल पर्सनालिटी से प्रभावित होकर ही राजा ने हेमचंद्राचार्य जी को कलिकाल सर्वज्ञ के बिरुद से नवाजा। इतना ही नहीं, उसने अपने राज दरबार में ऐसे शासन प्रभावक गुरुदेव की आरती भी उतारी। इसी सिद्धराज के सैनिकों से आचार्य ने बड़ी दीर्घ दृष्टि से कुमारपाल के प्राणों की भी रक्षा की। सोचिए, सिद्धराज को पता चल जाता तो क्या होता? आचार्य ने अपनी जान को हथेली में लेकर इस भावी प्रभावक की रक्षा की थी। कुमारपाल भी आचार्य भगवंत द्वारा जैन धर्म के तत्व ज्ञान से बड़ा प्रभावित हुआ और जिन धर्म के प्रति सद्भाव वाला श्रावक बना। इसीलिए राज्याभिषेक के बाद कुमारपाल ने अपने 18 देश के विशाल साम्राज्य में अमारी प्रवर्तन करवाया और सातों व्यसनों पर पाबंदी लगाई थी। हेमचंद्र आचार्य जी के पटधर पूज्य आचार्य रामचंद्र सुरेश्वर जी को कुमारपाल ने भव्य महोत्सव के साथ गच्छाधिपति पद प्रदान करवाया था। उनके बाद आते हैं शासन प्रभावक आचार्य हीर विजय सुरेश्वर जी महाराज साहेब के काल में। जब भारत भर में मुगल सल्तनत का विस्तार बड़ा फैला हुआ था, लेकिन प्रभावकों की प्रभावकता ने वहां पर भी अपना कर्तव्य निभाया। जैन धर्म के द्वेषी मुगल सम्राटों को प्रभावित करके साम्राज्य में आचार्य ने अहिंसा का पड़ बजाया और जिन शासन की आन बान शान को बढ़ाई। जिनेश्वर देव की उपासिका चंपा श्राविका के 6 महीने के उपवास के निमित्त से अकबर राजा को हीर विजय सूरी जी का संयोग हुआ। अकबर ने बादशाही ठाट से स्वागत यात्रा करके उनका दिल्ली प्रवेश करवाया। लगातार 2 चातुर्मास में जैन धर्म के सूक्ष्म तत्वों को जानकर वो इतना स्पेलबाउंड हुआ कि आचार्य के ऋण स्वीकार में कीमती भेंट सौगात देना चाहता था, लेकिन निष्प्रभी आचार्य तो उसे स्पर्श भी नहीं करते। इसलिए आचार्य के सम्मान में अकबर बादशाह ने कुछ फरमान भेंट में दिए, जिसमें शत्रुंजय, सम्मित शिखर, गिरनार, तारंगा जी आदि सारे पवित्र और जैन धर्म की अनमोल धरोहर जैसे महातीर्थों की मालिकियत एवं
सार्वभौमत्व के अधिकार जैन श्वेतांबर संघ के रिकन्फर्म किए थे। इतना ही नहीं, जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार उसने अपने साम्राज्य में साल के 6 महीने तक का अहिंसा पालन भी करवाया। एक मुस्लिम राजा के द्वारा इतनी जैन धर्म की प्रभावना विस्तार करवाना कोई आसान काम नहीं है। उनके बाद जिन शासन के प्रभावशाली कच्छाधिराज के प्रभावशाली वारसदार पूज्य आचार्य सेन सूरी जी महाराजा को कच्छाधिपति पद पर आरूढ़ करवाया गया, उनके नेतृत्व में भी शासन का सुचारू संचालन चल रहा था। अनेक मुगल सम्राटों ने आचार्य के सम्मान में तीर्थों के अधिकार जैन संघ के ही है ऐसा मान्य किया और तीर्थ में किसी तरह की दखल अंदाजी कोई सुबा सामंत न कर सके ऐसा प्रबंध किया। उसके बाद ब्रिटिशर्स के काल में भी जिन शासन का जय जयकार कराने वाले आचार्य थे पूज्य आत्माराम जी महाराज, अंग्रेजों की उपस्थिति में चतुर्विध संघ सहित 35,000 की जनमेदनी के बीच बड़े ठाठ और गरिमा से पूज्य आत्माराम जी महाराज को आचार्य पद का प्रदान हुआ था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुगल सल्तनत में भी मान्य किए गए जैन संघ के अधिकार अंग्रेजों द्वारा अमान्य किए गए। तब सकल श्री जैन संघ चिंतित बना। पूज्य आत्माराम जी महाराज के अथाग प्रयत्न जारी रहे। उन्हें शिकागो की धर्म परिषद में आमंत्रित भी किया गया था, परंतु आचार पालन की मर्यादा के कारण उन्होंने समर्थ श्रावक वीरचंद भाई को भेजा था। इस तरह अलग अलग काल में शासन प्रभावक और टॉप पोस्ट पर रहे आचार्य भगवंतों ने जिन शासन की प्रभावना रक्षा बड़ी जहमत उठाकर की है, तब जाकर हमें इस शासन का योग प्राप्त हुआ है। जिन शासन की सारी पोस्ट्स एंड अथॉरिटीज के सोर्स ऑफ पावर या ओरिजिन टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल सॉवरेन तीर्थंकर है, उनके द्वारा गणधरों को और गणधरों द्वारा उनके पटधरों को परंपरा से गच्छ संघ शासन के अधिकार इवॉल्व होते हैं। वर्तमान में गच्छाधिपति पदवी टॉप मोस्ट गिनी जाती है, इसलिए शासन की धुरा वहन करने की पॉलिसी डिसीजंस लेने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। गच्छ यानी एक आचार्य की आज्ञा तंत्र में रहा हुआ अनुयायियों का समूह और उनके नायक गीतार्थ आचार्य भगवंत होते हैं। गच्छाधिपति पदवी उनके आज्ञावर्ती परिवार की सहमति से होती है, जिससे अब परिवार उनका सुंदर और विशेष अनुशासन प्राप्त कर सके। गच्छाधिपति पद प्रदान में जिन शासन के सर्वाधिकारों का आरोपण किया जाता है, इट्स एन एम्पावरमेंट ऑफ टॉपमोस्ट रिलीजियस राइट्स टू परफॉर्म हाई लेवल ड्यूटीज। इस टॉपमोस्ट पदवी के साथ शासन के ऊंचे और महान कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। संघ शासन और तीर्थ रक्षा के कार्य करना, उनके पॉलिसी डिसीजन लेना, जिन शासन के सुबद्ध संचालन के लिए स्टेप्स लेना, जिन आज्ञा अनुसार शासन के लिए सारे हितकारी और इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेना वगैरह, यह सारी ऊंची रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब उनके वृषभ स्कंधों पर आती है। इसलिए गच्छाधिपति को जिन शासन के स्पिरिचुअल सॉवरेन यानी के सार्वभौम व्यक्तित्व कहा जाता है। ऐसी ऊंची रिस्पॉन्सिबिलिटीज और श्रेष्ठ अधिकारों को वहन करने वाले स्पिरिचुअल सॉवरेन्स की श्रेणी में पूज्य आत्माराम जी महाराज के बाद उनकी परंपरा में पूज्य कमल सूरी जी, पूज्य दान सूरी जी, पूज्य प्रेम सूरी जी भी प्रभावक गच्छाधिपति एवं स्पिरिचुअल सॉवरेन थे, जिनके शासन प्रभावक शिष्य पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय रामचंद्र सूरीश्वर जी सुविशाल गच्छ के नायक बने, जो प्रभु वीर की परंपरा के 77वें पटधर एवं स्पिरिचुअल सॉवरेन बने। उनके बाद उनके 78वें पटधर पूज्य मोहजीत विजय जी महाराजा श्रेष्ठ प्रावचनिक प्रभावक एवं महागितार्थ थे, जिन्होंने षड दर्शन के गहन अभ्यास के साथ देश काल का भी इनडेप्थ ज्ञान प्राप्त किया था।
संघ शासन की वर्तमान परिस्थिति को देखकर उन्हें हृदय में बड़ी वेदना थी। इसलिए जिन शासन का शुद्ध मार्ग अखंड रूप से सुरक्षित रखने हेतु उन्होंने अपनी समर्थता, शास्त्र ज्ञान, करंट नॉलेज एवं गीतार्थता से डिटेल और गहन मार्गदर्शन अपने भावी पट्टधर विद्वान लघु भ्राता पूज्य युगभूषण विजय जी को दिया और भविष्य में इन सारे ऊंचे कर्तव्य को अदा करने का कमिटमेंट भी उनसे लिया था। इसलिए 69वें पट्टधर पूज्य युगभूषण विजय जी ने भी अपनी बुद्धि, प्रतिभा और विशेष शास्त्र ज्ञान से शुद्ध प्ररूपणा का मार्ग जारी रखा। अनेक शिष्य, परिवार एवं समर्पित सैकड़ों श्रावक गण को मोक्ष मार्गानुसारी उपदेश और अनुशासन देकर मार्ग वहन करना भी वो नहीं चूके। पवित्र और सरल आचार्य पूज्य पुण्यानंद सूरी जी के हाथों उनकी गरिमावंत आचार्य पदवी संपन्न हुई। आचार्य पद के कर्तव्य सालों तक निभाने के बाद उनके आज्ञावर्ती विशाल परिवार की आग्रह भरी विनती से विक्रम संवत 2076 महासूद दसम तारीख 4 फरवरी 2020 के दिन बड़ी जाजरमानता से उन्हें गच्छाधिपति पदवी से नवाजित किया गया। आज अपने पद के कर्तव्य को बखूबी निभाते हुए, पद की गरिमा को बढ़ाते हुए उन्होंने अनेक आक्रमणों के सामने तीर्थ रक्षा, संघ रक्षा, श्रुत रक्षा एवं शासन रक्षा के कार्यों में अपनी दीर्घ दृष्टि से सुंदर मार्गदर्शन दिया है और दे रहे हैं। भावी शासन की अविच्छिन्नता को दृष्टिपथ में रखते हुए भारी निंदा और कष्टों की परवाह किए बिना वो अपने तन, मन और सर्वस्व का बलिदान करते हुए बिना रुके, बिना झुके अविरत आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह लहू के बूंद बूंद की तमाम शक्ति लगाकर पूर्ण वफादारी और समर्पण के साथ शासन की आन बान शान को हमेशा ज्वलंतता से बढ़ाने वाले इन सारे शासन प्रभावक संघ नायक एवं गच्छाधिपति भगवंतों का पुण्य यश सदियों तक इस विश्व में फैलता रहे, ऐसी शुभ भावना से हमें भी कुछ शासन के प्रति ऋण अदा करने की भावना रखनी चाहिए। इस समग्र जिन शासन की प्रभावक परंपरा का दर्शन करके आइए, आज हम सब मिलकर संकल्प करते हैं कि अपने पूर्वजों ने अपने संपूर्ण जीवन का बलिदान देकर शासन की इस उज्जवल परंपरा को हम तक पहुंचाई है, उसी अनमोल विरासत को सुरक्षित रूप से भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में हम सब अवश्य सहायक होंगे। तीर्थ, संघ, शासन पर आई आफतों का हम सब साथ मिलकर सामना करेंगे और शासन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। लेकिन क्या हमें भी जिन शासन की आराधना, प्रभावना और रक्षा करने का अधिकार है? सही है तो किसने दिया, कहां से आया? ऐसा कोई आपसे पूछे तो गर्व से कहना, यह अधिकार हमें हमारे परम पिता, शासन स्थापक, शासन नायक, शासन के श्रेष्ठ चक्रवर्ती, टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल सॉवरेन तीर्थंकरों ने दिया है। इसलिए जिस शासन का हमने नमक खाया है उसकी रक्षा हम अवश्य करेंगे। जय जिन शासन, जय गच्छाधिराज। शासन हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा शासन हमारा है। शासन हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा।
शासन हमारा है। सदियों से ये जिन शासन दुनिया की शान है, शासन माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। शासन हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा शासन हमारा है। जुग जुग सोदी जग हित काज जीवो आज न शासन। हे ना चरणे धर्षु हमें अदन मन ने नर जीवन। शासन केरी ज्योति का पे